लगातार पांचवें दिन भी कांग्रेस सरकार और संगठन में मची खींचतान को लेकर बयानबाजी देखने सुनने को मिली। दिग्गज समर्थकों ने अपनी पहचान बताकर मंत्री उमंग सिंघार के पुतले जलाए तो सिंधिया गुट के नेता ही आपस में भिड़ते नजर आए। उधर सिंधिया को पीसीसी चीफ बनाने की मांग को लेकर पोस्टर लगे तो कुछ ही घंटों में उन पोस्टर को फाड़ भी दिया गया। ये पूरी उठापटक चल रही है भोपाल में। एक तरफ जहां सरकार अपने गृह कलेश से ही नहीं उबर पा रही, वहीं बीजेपी ने धीरे से झाबुआ उपचुनाव की तैयारी शुरू कर दी और झाबुआ सांसद ने यह कहकर सनसनी मचा दी कि उपचुनाव के बाद सरकार गिर सकती है। जवाब भी तुरंत आया और मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि बीजेपी पहले अपना घर संभाले, कहीं ऐसा ना हो कि शिकारी खुद शिकार हो जाए। खैर, इन सब हालातों में गोपाल भार्गव ने निर्दलियों से समर्थन मांगकर अपने इरादे जाहिर कर दिए कि अभी सरकार बनाने का सपना टूटा नहीं है। ऐसे में कई सवाल खड़े हो गए हैं कि क्या वाकई झाबुआ उपचुनाव के नतीजों से ही सरकार का भविष्य तय होगा? क्या मंत्री बनने का इंतजार कर रहे निर्दलीय पाला बदल सकते हैं? क्या वाकई बीजेपी के 3 विधायक टूटने की कगार पर हैं? क्या कलह से जूझ रही कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ पाएगी? आज चर्चा इसी मुद्दे पर। तो विधानसभा के मॉनसून सत्र के आखिरी दिन कांग्रेस ने एक झटके में बीजेपी के 2 विधायकों को अपनी तरफ मिलाकर सरकार मजबूत दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन बीजेपी के ताजा मंसूबे बताते हैं कि उसने अपनी सरकार बनाने की जिद नहीं छोड़ी है और इसीलिए सांसद डामोर ने संकेत दिए हैं कि उपचुनाव के बाद सरकार गिर जाएगी। देखिए रिपोर्ट। एमपी में फिर छाया तख्ता पलट का टेंशन। गोपाल भार्गव ने निर्दलीय विधायकों से मांगा समर्थन। डामोर ने उपचुनाव के बाद सरकार गिरने की कही बात। मंत्री बोले 3 बीजेपी विधायक और होंगे हमारे साथ। जी हां, मध्य प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से सरकार गिराने और बनाने का खेल बंद था, लेकिन कांग्रेस की कलह गाथा के चलते सरकार बनाने के बीजेपी के मंसूबे फिर हरे होने लगे। शिवराज सिंह की लगातार सक्रियता के बीच अब नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने मोर्चा संभाला। लोकसभा चुनाव के वक्त एक वोट से 2 सरकार बनाने का वादा करने वाले भार्गव ने निर्दलीय विधायकों और सपा बसपा के विधायकों से भी अपील की है कि वे भाजपा को समर्थन दें तो हम उन्हें अच्छी सरकार देंगे। आसान भाषा में समझाएं तो भार्गव ने इन विधायकों को खुला ऑफर दिया है, जिस पर नए सिरे से बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। वहीं मिनिस्टर इन वेटिंग शेरा ने भी ये कहकर सनसनी मचा दी कि वे इस पर विचार करेंगे। कहा था, जैसे किसी ने पूछा कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि कांग्रेस पार्टी के लिए या सरकार के लिए जो अन्य दल समर्थन दे रहे हैं निराश हैं, इसके बारे में आप क्या करेंगे, क्या सोचेंगे? तो मैंने यही कहा था कि हम हाईकमान से चर्चा करेंगे और उन पार्टी के रवैये क्या है, उनका रुख क्या है, वो क्या सोचते हैं, इसके बारे में हम सोच समझ के बात करेंगे। यही कहा था। और हमें ना सरकार बनाने की कोई गलती है और ना हम जोड़ तोड़ में विश्वास करते हैं, ना हार्स ट्रेडिंग में विश्वास करते हैं। यदि उनकी आत्मा की आवाज़ हो और हम वरिष्ठ नेताओं से चर्चा करेंगे या वरिष्ठ नेताओं से वो चर्चा करें, उसके बाद ही बात करेंगे, अभी इस तरह की कोई बात। उधर उपचुनाव की तैयारी में अभी से जुटे बीजेपी नेताओं ने झाबुआ से ही माहौल बनाना शुरू कर दिया है। इस सीट से विधायक रहे वर्तमान सांसद जीएस डामोर ने बड़ा बयान दे डाला। सांसद डामोर ने कहा कि उपचुनाव के बाद ज्यादा दिन मध्य प्रदेश सरकार नहीं चल पाएगी। बात इसलिए गंभीर है क्योंकि उस मंच पर शिवराज सिंह चौहान, राकेश सिंह, नरेंद्र सिंह तोमर जैसे दिग्गज नेता मौजूद थे। यानी बीजेपी एक बार फिर उपचुनाव के बहाने ये जताने की कोशिश कर रही है कि जल्द ही हम फिर सत्ता में होंगे। लेकिन इसका जवाब दिया मंत्री पीसी शर्मा ने और कहा कि अगले सत्र में बीजेपी के 3 और विधायक हमारे पाले में होंगे। 2
ये कब से बोल रहे हैं, ये 8 महीने हो गए यूँ कर देंगे, लंगड़ी सरकार है और गिरा देंगे, 10 हमारे से टच में है, तो इनके टच वाले का पता नहीं लगा, लेकिन दो कमलनाथ जी ने दो भारतीय जनता पार्टी के विधायक विधानसभा के पटल पर ले आए। अगली विधानसभा का जब सेशन होगा तो कम से कम 3 कांग्रेस के पाले में हो रहे हैं। 3 कौन कौन? 3 गुप्तरे भी हैं, ट्रेड सीक्रेट। सरकार चलने के काबिल नहीं है और कौन किसको बर्खास्त करे अभी तो यही समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि चला कौन रहा है और जिसने पाप किया ना हो वो पहला पत्थर मारे, तो पहला पत्थर कौन मारे, सवाल यही है। बीजेपी को ऐसे दावे करने का दम कांग्रेस से ही मिला, जिसमें राजा और मंत्री की लड़ाई खत्म भी नहीं हुई थी कि महाराज गुट के 2 मंत्रियों ने दिग्विजय सिंह पर अप्रत्यक्ष रूप से हमला बोला और कहा कि सरकार में हस्तक्षेप करने का अधिकार किसी को नहीं। वहीं दिग्गी समर्थक कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक इंदल सिंह कंसाना का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने उमंग सिंघार समेत सिंधिया खेमे के मंत्रियों को बर्खास्त करने की मांग कर डाली। ये चल ही रहा था कि सिंधिया गुट के विधायकों ने उसी खेमे के मंत्री तुलसी सिलावट के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, जिस पर मंत्री जी चुप्पी साध गए। जाहिर सी बात है कि इन परिस्थितियों का फायदा उठाने में आखिर बीजेपी क्यों पीछे रही। चिकरी अम्बा और पोषा की समस्या थी, उस समस्या को मैंने अब तक करा रहा था 6-7 महीने से और माननीय मंत्री जी ने उस पर विशेष ध्यान नहीं दिया। ये सारी बातें मैंने रखी थी, अम्बा और पोषा में डॉक्टर की जरूरत है, ना तो वहाँ कोई महिला डॉक्टर है ना, हाँ पैरामेडिकल स्टाफ ऐसा कहीं वहाँ नहीं है, इसलिए 15 साल से बीजेपी की सरकार थी, वहाँ से लोग जुड़ते हुए उन्होंने सोचा कि कांग्रेस की सरकार का बदलाव की वजह से उन्होंने मुझे जिताया और 35 साल बाद वहाँ कांग्रेस जीती है। इस वजह से मैंने माननीय मंत्री से बात रखी थी और लंबे समय से मैं रहता आ रहा, नई बात है जब मान रहे थे तो मैंने यही कही थी कि अगर नहीं रख रहे हो तो मेरी पब्लिक की आवाज़ मैं बिल्कुल पब्लिक के बीच में आ जाऊँगा। तो कुल मिलाकर एमपी में फिर हॉर्स ट्रेडिंग का दौर शुरू हो सकता है। ये बयानबाजी क्या सरकार के लिए खतरा है या बीजेपी को अपना घर संभालने की जरूरत है, क्योंकि वो एक बार धोखा खा चुकी है। हालांकि सीएम कमलनाथ को ये तय करना है कि सुरेंद्र शेरा जैसे विधायकों को वो कब मंत्रिमंडल में शामिल करेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि इतना इंतजार कराना बाद में भारी पड़ जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।